तुम तो आज बहुत ही अलग लग रही हो। उफ, आज सुबह मैंने बड़ा डरावना सपना देखा। मेरी चोटियाँ जिंदा हो गईं और मुझ पर हमला करने लगी। तो मैंने आज बाल बनाने का तरीका ही बदल दिया। अरे इस छतरी को ऊपर पकड़ो, कहीं मेरे बाल खराब तो नहीं हो गए। माफ करना उस्ताद। लेकिन अब देखना, लोगों का डर मेरा मूड अच्छा कर देगा। बुरा बग्गा सबका डर जगा। कूद गए। क्या उस्ताद?
मजाक का वक्त नहीं है जग्गू। सच सच बताओ कि मेरे जूते कहाँ है। कालिया, शायद जूते पानी के साथ बह गए होंगे। मेरे मामा ने मुझे प्यार से दिए थे। शांत हो जाओ उस्ताद, अगले जन्मदिन पर हम नए ले लेंगे। चलो घर चलते हैं, दोपहर हो गई है। देखो, मैं टुनटुन मौसी की रसोई घर का नया हिस्सा कैसे चमकाता हूँ। रसोई का तो पता नहीं, पर तुम तीनों जरूर चमक रहे हो। बचाना इतना आसान नहीं है। हाँ, इसके लिए चाहिए जज्बा। और चाहिए हिम्मत। और ढेर सारा फ्री टाइम। प्लीज 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 प्लीज। नहीं बुद्धू स्वामी, इसमें बहुत खतरा है। मुझे आना, मुझे आना।
अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, आ जाओ। ये अब परफेक्ट पार्टनर बनेंगे जी। बीम 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 बुद्धू, बीम 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 बुद्धू बीम। हीरो से भरी गुफा, अरे वाह बढ़िया है। अरे सुनो, मेरा कोई दोस्त नहीं है। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? है बुरियानी, तुम यहाँ हीरे चोरी करने आए हो। लालच की आग में चमका दे हीरा, जब नीचे गिरे तो बन जाए अंगारा। मुझे अंदर जाने का कोई और तरीका ढूंढना होगा। वाह बच्चों, ये फूल तो बड़े प्यारे हैं। दरवाजा खुलवाओ, वरना मैं इस गुफा को उड़ा दूंगा और फिर इस नन्ही सी हीरू का क्या होगा? हीरू, मैं हूँ चुटकी। चुटकी, तुम वापस आ गई? हाँ हीरू, तुम्हारे साथ खेलने आई हूँ। जल्दी से दरवाजा खोल लो। मंगल सिंह ने कहा कि अगर मैं दरवाजा नहीं खुलवाऊंगी तो वो गुफा को उड़ा देगा। अरे वाह, इतने सारे हीरे, इसके बाद मैं दुनिया का सबसे अमीर डाकू बन जाऊंगा। चले जाओ यहाँ से। लपक छपक ईना छपक, सिखा दो इस बड़े डाकू को सबक। वो तो मैं सीख चुका हूँ। चुटकी, उसने मेरा जादुई गोला ले लिया, उसके बिना मैं जादू नहीं कर सकती। मंगल सिंह, तुमने मेरे दोस्तों को परेशान किया, अब तुम्हारा अमंगल होगा, तैयार हो जाओ। मारना मत।
पर क्यों लाए हो चुक चुक? माफ करना पापा, पर इन्होंने दो छछुंदर केकड़ों से मेरी जान बचाई। मैं इन्हें दावत पर लेकर आया हूँ। खुद को बचाने के लिए इंसानों को लाए हो, ये पिद्दी तुम्हें कैसे बचाएंगे? चुगनुओ, अपने बच्चों को बचाना है ना? पप्पू, अपने केकड़े हाथ हमारे बच्चों से दूर रखो। तो अपने प्रकाश का गोला बना के दे दो मुझे आज। चलो दादी। नहीं चुक चुक, उन्हें ये शक्ति मत दो। मैं हूँ सबसे शक्तिशाली। तुम्हारी शक्ति और इस प्रकाश की शक्ति ही काकू को भगा पाएगी भीम। जिंदा हो गया है।
हाय भीम, चुटकी कालिया। ये तो वाकई में जिंदा है, हमारे नाम भी जानता है। अलमारी के ऊपर से गिरते वक्त टूट गया होगा। तुम दोनों बिल्कुल फिक्र मत करो, हुला हुप को खिलौने वाले के पास ले चलते हैं, वो झटपट जोड़ देगा। तुम्हें कहा था ना मुंह बंद रखना। अरे वाह, जीता जागता खिलौना। अगर ये मेरा हो जाए तो मैं लाखों रुपए में तैरूंगा, सोने के पलंग पे सोऊंगा। गली पर से ये टोली। जंपिंग झपाक बोल रहा है और ये कौन उसे लेकर भाग रहा है? मौसी आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी उसे ले आता हूँ। किसी को नहीं छोड़ूंगा। खेलती थी, अब आखिरकार मैं तुम्हारे साथ खेल पा रहा हूँ टुनटुन। और तुम लोगों ने मुझे बताया नहीं कि ये चमत्कार हुआ कैसे। मैंने झपाक को जिंदा किया मौसी, सारा मेरा ही किया धरा है। वाह वाह, इतनी स्वादिष्ट जलेबियाँ है ये। वाह कैसे हो मेरे मित्र इंद्र वर्मा? मजा आ रहा है ना? बहुत ही बढ़िया आयोजन है राजा पहलवान, और ये जलेबियाँ तो उससे भी बढ़िया है। अरे मजा कैसे है महाराज? चलिए राजा पहलवान, अब मैं चलता हूँ, आपसे मिलकर और ये जलेबियाँ खाकर मन खुश हो गया। ठीक है इंद्र वर्मा, फिर मिलते हैं। अरे मेरी प्लेट की जलेबियाँ आखिर गई कहाँ? ये जरूर उस इंद्र वर्मा ने खाई होंगी। अब क्या होगा महाराज? अब युद्ध होगा, युद्ध। भीम को पता भी नहीं चलेगा कि हम कहां और कैसे फुर्र हो गए। उस्तादी मंगल सिंह, Yeah!
अच्छा हुआ कि तुम आ गए। एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। जल्द से जल्द ये शाही खत तुम राजा पहलवान को दे आओ। किसी छोटी सी नासमझी की वजह से उसने पड़ोसी राज्यों के साथ मिलकर ढोलकपुर के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। अगर सूरज ढलने तक ये खत उस तक ना पहुंचा, तो ढोलकपुर का अंत समझो। आप फिक्र ना करें महाराज, ये काम बहुत आसान है। हम सही वक्त पर सही तरीके से सही जगह सही हाथों में ये खत पहुंचा देंगे। जब भी तुम ऐसी बात करते हो कुछ सही नहीं होता। फिक्र ना करो जग्गू, चलो दोस्तों चलते हैं। से कोई फरिश्ता ही क्यों ना आ जाए। तैयार, एक दो तीन। आसमान से टपकने के लिए माफी चाहता हूँ राजा पहलवान, पर ये खत सही वक्त पर देना जरूरी था। ये लीजिए राजा पहलवान, उस दिन मैंने आपकी थाली से जलेबी नहीं खाई थी, बल्कि एक चूहे ने खा ली थी। मैं उस वक्त चुप रहा, नहीं तो दावत में आपके महल में चूहे हैं ये सुनकर आपकी बहुत बदनामी होती। उम्मीद है कि सच जानने के बाद आप ये युद्ध रोक देंगे, वरना भीम अकेला आपकी सेना को खत्म कर सकता है। अभी भी वक्त है, सुधर जाइए। तो दोस्तों और सिपाहियों, हमारे और इंद्र वर्मा के बीच जो गलत फहमी थी वो दूर हो चुकी है। इसी खुशी में हम राजा इंद्र वर्मा और भीम के सम्मान में एक और दावत की घोषणा करते हैं।